हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बहुत ही आसान तरीके से चॉकलेट लावा केक बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम कोई भी मैदा यूज नहीं करेंगे। बहुत ही कम मेहनत है, सिर्फ हम जो झटपट ओरियो बिस्किट से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट का एक पैकेट ले लिया है। तो हम 250 ग्राम के करीब ओरियो बिस्किट यूज करेंगे। तो इनको इस तरह से तोड़कर हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो 250 ग्राम के करीब हम यहाँ पे ओरियो बिस्किट इसमें डाल देंगे। हमें क्रीम इसकी नहीं निकालनी, क्रीम के साथ ही हम ये चॉकलेट लावा केक बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब दूध। 250 ग्राम बिस्किट में हम आधा कप के करीब दूध डाल देंगे और इसको हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, जिससे कि ये हमारा एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो ऐसे ही थिक पेस्ट हमें चाहिए लावा केक बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से मिला लेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, हम यहाँ पे बेकिंग सोडा इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा लावा केक के लिए बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट ली है, जो हम इसमें फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट, कोई भी आपको अच्छी लगे वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है अपे पैन। तो हम अपे पैन में ये मिनी लावा केक बनाकर तैयार करेंगे। तो अच्छी तरह से घी या बटर से इसको ग्रीस कर लें। उसके बाद जो हमने बैटर बना के रखा था लावा केक के लिए, वो इसमें डाल देंगे। हमें इनको आधा ही फिल करना है, क्योंकि हमें इनमें चॉकलेट भी डालनी है और ऊपर से दोबारा इसको कवर करना है, इसलिए हाफ इनको फिल करें पहले। अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे, जो हमने चॉकलेट पहले लेके रखी थी वो इसमें एक एक करके पीस इसमें इस तरह से डालते जाएंगे। और दोबारा से इसको हम ऊपर से इसी बैटर से कवर कर देंगे। तो हम चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बैटर डालेंगे, ऊपर से हल्का सा इसको इस तरह से कवर कर देंगे। लावा केक हमारा बेक करने के लिए रेडी है। तो हम इसको डायरेक्ट मीडियम टू लो हीट पर मिनिमम 20 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर करके हम बेक करेंगे। जितनी देर तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाते तो ऊपर से कवर कर देते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेंगे टूथपिक की हेल्प से। अगर ये किनारे अपने आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है ऊपर से अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो ये हमारे लावा केक बनकर तैयार हो चुके हैं। साइड से हल्की सी टूथपिक डालकर देखेंगे, क्योंकि हमने अंदर चॉकलेट भी डाली है, इससे सेंटर में ना डालें, सेंटर में चॉकलेट होती है, उससे हमें नहीं पता चलेगा कि ये पक चुके हैं या नहीं। अगर किनारे छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा लावा केक बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम कर देंगे बंद, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देखें, हमारे लावा केक बनकर तैयार हो चुके हैं। फोक की हेल्प से इसको निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल रहे हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप इनको ऐसे ही इजीली बनाकर सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। यहाँ पे इसको हम काट कर देखते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ये हमारे लावा केक बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर से थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट डाली है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इनको ऐसे ही बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।